हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मुजफ्फरपुर बिहार से आपका स्वागत करती हूं और मैं बोल रही हूं अंजनाज लाइफस्टाइल से। बहुत छोटे छोटे से लौकी निकल रहा है। आज मैं कुछ हार्वेस्टिंग भी करूंगी। ये मेरा आलू का पेड़ है, 24 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा हो गया। फिर से इसकी साग की हार्वेस्टिंग साग के लिए मैं कर लूँगी। ये सिंगरी की बीन्स अभी छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे निकले हुए हैं। आज मैं फिर से आलू और पालक हार्वेस्ट कर लूँगी और कुछ ये जंगल है इसको हटा दीजिएगा। कितना ग्रीन लग रहा है। इतना बड़ा बड़ा आलू हो गया कि मेरा इसमें लौकी का जो बेल लगाए हुए थे ये छुप गया है। देखिए इस टमाटर का ग्रोथ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत हरा हरा है, बहुत हेल्दी लग रहा है। मैं साग की हार्वेस्टिंग करते करते बहुत जंगल भी मेरा हट गया। अब मेरा आलू का हार्वेस्टिंग हो गया। अब कुछ पालक की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। आलू में पालक मिलाइए तो सब्जी अच्छा होता है। सब्जी में भी डालिए या साग बना के खाइए। मैं थोड़े से पालक हार्वेस्ट कर ली टमाटर पक चुका है। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लाल। इसका भी मैं हार्वेस्ट कर लूँ। ये सब मैं थोड़े से पीले पीले हो गए हैं, इसको मैं तोड़ ली। ये सब बढ़ेगा। मैं थोड़े से सिंगरी की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। सिंगरी तो सदाबहार है, कुछ न कुछ तो हमेशा मिल ही जाता है। दो दिन तीन दिन बीच करके सिंगरी की हार्वेस्टिंग हो ही जाती है। कुछ थोड़े से आज मैं मेथी पत्ते की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। मेथी भी इसमें बड़ा बड़ा हो गया है। अकेले हार्वेस्टिंग और वीडियो बनाने में बनता नहीं है।
ये मेरा मेथी, और कुछ धनिया पत्ती भी हो जाए चटनी के लिए। इसमें भी धनिया पत्ती बड़ा बड़ा हो गया है। अब कहीं कहीं धनिया में फूल भी निकल रहा है। मैं जब मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा धनिया का बीज डाल दी तो कहीं सारे गमले में कुछ न कुछ धनिया निकल आया। इक्के दुक्के जो होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं धनिया। मैं धनिया भी हार्वेस्ट कर ली। अब थोड़े से प्याज के पत्ते, हरे प्याज के पत्ते को ले लेती हूँ। इस हरे प्याज को मैं काट लूँगी। अकेले वीडियो बनाने में नहीं बनता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं काट के दिखाती हूँ। यह मैं हरा प्याज भी काट ली। मेरी आज की हार्वेस्टिंग। फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। थैंक यू।